हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई एग्ज़ाम्स के थ्रू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि बीआरओ डिपार्टमेंट है उसमें होता है, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं उनकी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, 10 से 11 पॉइंट हैं जिसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट कवर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी अभी एसएससी सीएचएसएल 2021 का रिज़ल्ट आया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बधाई पहले तो, और उनका जल्द ही 1-1.5 महीने में डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा। तो उनको किस डेट का उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसके लिए उनको रेगुलरली www.bro.gov.in पर विजिट करते रहना। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2022 और एसएससी जेई 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की जो लास्ट फिलिंग डेट है वो भी ख़त्म होने वाली है और उनका भी रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा। तो जिन भाइयों का सिलेक्शन बीआरओ डिपार्टमेंट में होता है इन एग्ज़ाम्स में, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं उन्हें भी ये वीडियो देखनी है। पहली बात तो ये है कि जैसे आपका रिज़ल्ट आएगा तो उसके लगभग 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिगी कैंप पुणे बुला लिया जाएगा, और इसकी कन्फर्मेशन के लिए आपको रेगुलरली रिज़ल्ट आने के बाद में जो बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट है www.bro.gov.in पे विजिट करते रहना है। जो वेबसाइट मैंने बीआरओ की बताई है इस पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कि जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल 2021 या एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई 2022 इनके थ्रू हुआ हुआ है उन कैंडिडेट्स को की लिस्ट इस पीडीएफ में दी हुई है, और आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में इस डेट को रिपोर्ट करना है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स को एक साथ नहीं बुलाया जाता, अलग अलग डेट पे बुलाया जाता है। पहला डॉक्यूमेंट जो आपको साथ में लेके जाना है, जो कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल के थ्रू सिलेक्शन लेके जा रहे हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी वो थी 12th, मीन्स आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए। तो 12th की आपको 10th 12th की मार्कशीट, और यदि कोई सीबीएसई बोर्ड से है तो उनका एक बोर्ड सर्टिफिकेट और होता है अलग से, तो आपको वो बोर्ड सर्टिफिकेट साथ लेके जाना है इन ओरिजिनल, प्लस आपको इनकी फोटोकॉपी भी 2 सेट साथ रखने हैं। और जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल और एसएससी जेई के थ्रू बीआरओ डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो ग्रेजुएशन उन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम वो मांगते हैं, तो आपको आपकी 10th 12th कि मार्कशीट और यदि डिग्री अलग से है तो वो, इसके अलावा आपको जो आपकी ग्रेजुएशन की हर ईयर की मतलब कि प्रत्येक साल की जो आपकी मार्कशीट है वो, उसके अलावा यदि बीटेक होल्डर हैं आप तो आपकी सेमेस्टर वाइज जो भी मार्कशीट होती है 8 सेमेस्टर की वो सारी साथ लेनी है। उसके अलावा बीटेक वालों की एक कम्बाइंड मार्कशीट और आती है लास्ट में, वो साथ लेनी है। प्लस आपके पास यदि प्रोविजनल अभी डिग्री है, मीन्स ओरिजिनल डिग्री आपकी अभी नहीं आई है, तो प्रोविजनल डिग्री और ओरिजिनल है तो ओरिजिनल डिग्री साथ लेके आनी है। इसके अलावा बीटेक के अलावा यदि कोई और डिग्री होल्डर है तो आपको अपने जिस भी स्ट्रीम में आपने चाहे बीएससी की है, बीए की है, बीकॉम की है, तो आपको अपनी जो प्रत्येक ईयर की 3 साल की या 4 साल का जो आपकी जो मार्कशीट है वो साथ लेके जानी है। उसके अलावा आपकी यदि कंबाइंड मार्कशीट अलग से आती है तो वो साथ में लेके जानी है। कहने का मतलब है ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट आपको साथ में, प्लस आपकी डिग्री साथ में होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि मैंने सीएचएसएल का फॉर्म फिल किया है तो क्या मुझे 12th की ही लेके जानी है मार्कशीट? कोई ज़रूरी नहीं है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट साथ लेके जा सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आपके पास 12th तक की मार्कशीट और डिग्री होने चाहिए। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे जैसे कि सीजीएल और जेई के थ्रू, एसएससी जेई के थ्रू सिलेक्शन लेते हैं, तो उनके ग्रेजुएशन प्लस यदि ग्रेजुएशन से आगे आपने पढ़ाई कर रखी है तो उसके आपके पास कुछ सर्टिफिकेट हैं तो आप वो भी लेके साथ जा सकते हैं।
वो है एडिशनल में। सेकंड पॉइंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपको अपना जो मूल निवास है, सभी स्टूडेंट्स को अपना मूल निवास का सर्टिफिकेट साथ लेके जाना है और वो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे साइन होना चाहिए, डिजिटल हो या ऑफलाइन जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको लेके जाना है साथ में। जो मूल निवास है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो आपके जो रेसिडेंस है उसका प्रूफ देता है। थर्ड है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कि एज रिलैक्सेशन लेते हैं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको साथ लेके जाना है यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन लेना है। प्लस दूसरी चीज़, यदि आपने सिलेक्शन जैसे OBC कैटेगरी के अंतर्गत लिया है, EWS के या SC या ST के अंतर्गत लिया है, फाइनल सिलेक्शन जो आपका हुआ है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, क्योंकि आपने उसी कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्शन लिया है, इसलिए वो प्रोड्यूस करना ज़रूरी है डिपार्टमेंट में। OBC सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है यदि क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। जिस भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसमें मैंने 3-4 क्राइटेरिया आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने यदि क्रूशियल डेट से पहले का आपका सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करूँगा मैं, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इसका ऑफलाइन फॉर्मेट, जो BRO डिपार्टमेंट में आपको DV करवाने जाना है, तो इसका ऑफलाइन फॉर्मेट BRO की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, www.bro.gov.in पे दिया हुआ है, तो वहाँ से डाउनलोड करके उसके अकॉर्डिंग आपके आप फिल करके और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेंशन है उसके सिग्नेचर और जो स्टैंप लगेगा वो लगवा के लेके जा सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन भी लेके जो आपने ई मित्र वगैरह से बनाया वो लेके जा सकते हैं। फोर्थ डॉक्यूमेंट, यदि किसी की कोई शादीशुदा है तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले जाना आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट जो भी ले जाओ उसमें ये ज़रूर मैं बता दूं आपको कि जो ब्राइड और ग्रूम, जो लड़का और लड़की है, दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो उस जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन होनी चाहिए, और उसके बाद में जो भी अथॉरिटी उस पर साइन करता है वो होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अलग अलग रीज़न पे अलग अलग तरीके से बनता हो, लेकिन कहने का मतलब जो भी मैरिज सर्टिफिकेट BRO डिपार्टमेंट वैलिडेट करता है उसमें लड़के लड़की जिन्होंने शादी की है उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है अपना अक्स सर्विसमैन। तो यदि कोई अक्स सर्विसमैन के अंतर्गत फॉर्म फिल किया है तो आपको DV टाइम पे अक्स सर्विसमैन का जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो सर्टिफिकेट आपने बनवाया है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है, ड्यूली साइंड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सिक्स्थ पॉइंट मेरा ये है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC जिसे कहते हैं। काफ़ी कैंडिडेट होते हैं जो ऑलरेडी किसी जॉब में कार्यरत रहते हैं और उसके अंतर्गत वो फॉर्म फिल करते हैं, तो उस टाइम जब वो फॉर्म फिल करते हैं तो अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करते हैं वो कि मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो डिपार्टमेंट से वो NOC लेते हैं। तो आपको जब डिपार्टमेंट DV करवाने आप जाते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है और उन्होंने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर रखा है, तो आप NOC लेके साथ जाएं और उस पर सिग्नेचर होने चाहिए आपके डिपार्टमेंट की जो भी अथॉरिटी है उसके। इस NOC का बेसिकली ये फ़ायदा है कि सपोज़ करिए आप करंटली किसी जॉब में कार्यरत हैं और आपको 3 साल हो गए या 2 साल कार्य करते हुए यहाँ पे हो गए, अब आप BRO डिपार्टमेंट में आ गए, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया आपने जॉब, तो आपने जो अर्ली 3 साल जो सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो ये सर्विस आपकी BRO डिपार्टमेंट में जब आप सर्विस स्टार्ट करेंगे तो उसमें काउंट हो जाएगी। तो ये एक बढ़िया बेनिफिट होता है आपको, आपकी सीनियरिटी उसी तरीके से काउंट होती है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि NOC की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है। सपोज़ करिए कि आप यदि एज ए नॉर्मल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी एज ओवर हो चुकी है, लेकिन जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के यदि आप एम्प्लॉई होते हो तो आपको क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देता है कि आप इस कैटेगरी से हो, UR से हो तो 35 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हो, बाकी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो हो सकता है कि 38 साल तक का, किसी में 40 साल तक का कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसके लिए भी आपको NOC प्रोड्यूस करनी
होगी डिपार्टमेंट में, बीआरओ टाइम बीआरओ में जब आप डीवी करवाने जाएंगे, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपनी लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवा के लेके जाएं, कम से कम 15 से 20 फ़ोटोज़ होने चाहिए आपके पास में, कलर्ड फ़ोटोज़, क्योंकि वहाँ पे आपको इन फ़ोटोज़ की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग फॉर्म में लगाने के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है 9th, इसमें आपको एक आईडी प्रूफ अपने साथ में कैरी करना है ओरिजिनल, जिसमें कि आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मींस कि एक ऐसा आईडी जिसमें आपकी फ़ोटो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम और आपका एड्रेस क्लियरली मेंशन हो, तो आप ऐसा एक आईडी प्रूफ अपने साथ लेके चलें। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका नाम मेंशन किया हुआ है और आपके फादर का नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये जो 3 पॉइंट मेंशन किए हैं, ये यदि आपकी जो फॉर्म फिल किया आपने उसमें या फिर जो आपका आईडी प्रूफ है आप जो साथ लेके जा रहे हैं उसमें उससे मैच नहीं खा रहा है, तो आपसे आपको ये मैं क्लियरली बता दूं, आप एक एफिडेविट बनवा के घर से साथ लेके जाएं, नोटरी वगैरह जो भी आपके नियर बाई कोर्ट वगैरह है वहाँ पे नोटरी का काम होता है, तो एफिडेविट में क्लियरली मेंशन करिए कि मेरा ये ओरिजिनल नाम है और बाई मिस्टेक इसमें ये हो रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज डीवी टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरे तरीके में यदि मैं आपसे कहूँ कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है या फिर 12th की होगी या फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर डिग्री हो गई उसमें, या फिर आपकी आईडी जो आईडी प्रूफ है उसमें, इनमें यदि आपके नेम का, फादर्स नेम का या फिर डेट ऑफ बर्थ का यदि मिसमैच है, तो मैं आपको बता दूं आप एफिडेविट बनवा के लेके जाएं डिपार्टमेंट में जाने से पहले, और इस एफिडेविट में जो आपके साइन होने हैं वो साइन होंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के, आपके साइन होने चाहिए, फिर ही डिपार्टमेंट आपका डीवी करेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, ये जो अभी तक मैंने चीज़ें बताई हैं ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्टिंग में जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा नेक्स्ट। जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ट्रेनिंग जब आपकी स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम पे आपकी सैलरी चालू करने के लिए मैं आप डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, वो आपको साथ लेके चल जाने हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन डॉक्यूमेंट्स में है आपकी बैंक पासबुक होनी चाहिए, प्रीफर्ड पासबुक मैं बता रहा हूँ कि SBI बैंक की हो, SBI बैंक की आपकी पासबुक होना चाहिए। यदि आपके पास में नहीं है तो आप अभी अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा है कि आप अपना पैन कार्ड साथ लेके जाएं। तीसरा, एक नई आपको चेकबुक, यदि आपके पास ऑलरेडी चेकबुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और SBI बैंक होना चाहिए, जो SBI बैंक का आपका अकाउंट है उसी के बेसिस पे आपको एक चेकबुक इशू करवानी है बैंक से, और वो आपको साथ लेके जानी है, क्योंकि उस पर एक चेक करके कैंसिल चेक लिख के वो हम डिपार्टमेंट में जमा करवाते हैं, और उसके भी आप उसका भी यूज़ होता है सैलरी चालू करवाने में। नेक्स्ट है NEFT मैंडेट फॉर्म होता है, आपको वो भी साथ लेके जाना होता है, तो आप जो अपनी ब्रांच है SBI की ब्रांच है जहाँ पे आपने अकाउंट खोल रखा है वहाँ पे विजिट करिए और उनसे कहिए सर मुझे मेरी जॉब लगी है और मुझे NEFT मैंडेट फॉर्म लेके जाना है, तो वो आपको बता देंगे इसका क्या प्रोसीजर और कैसे बनेगा, वहीं पे बन जाता है, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, अपनी ब्रांच विजिट करिए। इसके अलावा एक NPS सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जो कि www.cra.nstl.com, इस पर आप विजिट करेंगे तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको आपको फिल करके, या फिर ये आप ट्रेनिंग टाइम पे भी फिल कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अदर फ्रेंड्स हैं वो भी हेल्प कर देते हैं इसमें, तो ये भी आपके साथ होना चाहिए। तो ये जो मैंने लास्ट में 5 चीज़ें बताई हैं, बैंक पासबुक, चेक बुक, इसके अलावा NEFT मैंडेट फॉर्म, और अब आपका पैन कार्ड, और NPS सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपकी सैलरी चालू करवाने के लिए ज़रूरी है, ये भी साथ लेके जाइए। और इन सब के साथ साथ एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म आपको BRO की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और ये 7 या 8 पेज का फॉर्म होता है। इस फॉर्म की आपको 6 कॉपी लेके जानी है। एक चीज़ और बता दूं, आप इधर उधर से ये फॉर्म मत लेना, BRO की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना, एक बाईलैंग्वेज फॉर्म मिलेगा आपको, वही फिल करके लेके जाना है। दूसरी चीज़ बता दूं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसमें हिंदी में डिटेल्स भरना चाहते हैं या इंग्लिश में। मैंने पूरी डिटेल्स मेरी इंग्लिश में फिल करी थी,
कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से क्लियर था। इस फॉर्म की आपको 6 कॉपी साथ में लेके जानी है और पूरी डिटेल फिल करके, प्लस इसके फर्स्ट पेज पे आपकी एक बड़ी साइज में फ़ोटो लगती है। तो जो मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट बताया था कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी 15 से 20 साथ लेके जानी है, तो जहाँ से पासपोर्ट साइज़ आप फ़ोटो बनवाओ तो वहीं से फ़ोटोग्राफर को बोल देना कि भाई एक 5-6 फ़ोटो बड़ी साइज़ में और निकाल दे, क्योंकि 6 अटेस्टेशन फॉर्म आपको फिल करने हैं, 6 तो वहाँ पर बड़ी साइज़ में लगेंगी। उसके साइज़ कुछ मेंशन की हुई है, आप जब डाउनलोड करेंगे वहाँ से तो आपको पता लग जाएगा। जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसके पेज नंबर 1 पर आपको एक जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है उसे बड़ी साइज़ में फ़ोटो लगानी होती है, जो कि आपको क्लियरली मेंशन रहेगा कि इतनी बाई इतनी की फ़ोटो लगानी है, और इस फ़ोटो को आपको अटेस्ट करवाना है। किससे अटेस्ट करवाएंगे, ये डिटेल्स उसी अटेस्टेशन फॉर्म के पेज नंबर 5 पे कुछ एक अथॉरिटीज़ की अथॉरिटी की डिटेल दी हुई है कि आप इन इन से अटेस्ट करवा सकते हैं, आप उन्हीं से अटेस्ट करवाइए। प्लस जो स्टैम्प लगेगा अटेस्टेशन जिस ऑफिसर से करवा रहे हो, सिग्नेचर तो उसके हो ही जाएंगे लेकिन एक स्टैम्प भी लगता है, तो उस स्टैम्प में उसका ऊपरी ऊपर तो नाम होना चाहिए स्टैम्प में, उसके नीचे उसका डेजिग्नेशन होना चाहिए। डेजिग्नेशन के नीचे किस ऑफिस में को किस कार्यालय में वो कार्य रहता है, सपोज करो प्रिंसिपल है तो वो कहाँ होगा, किसी विद्यालय में होगा, तो उस स्टैम्प में नाम आ गया, उसके नीचे उसकी डेजिग्नेशन आ गई और उसके नीचे उसका कार्यालय। इसी अटेस्टेशन फॉर्म के पेज नंबर 6 पे एक गेजेटेड ऑफिसर से आपको वेरीफाई करवाना है कि वो ऑफिसर आपको पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम से आपको जानता है। इस पेज पर एक राउंड सील का ऑप्शन रहता है, तो जो जिस गेजेटेड ऑफिसर से आप खुद का ये वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कि वो आपको 1 साल से ज़्यादा के समय से जान रहा है, तो वो किस डिपार्टमेंट में कार्यरत है उसकी आपको राउंड सील लगवानी है। अभी दोबारा मैं बता रहा हूँ कि रेक्टेंगुलर सील मत लगवाना, राउंड सील लगेगी। सपोज करिए कोई प्रिंसिपल है और वो किसी स्कूल में कार्यरत है, तो उस स्कूल की राउंड सील लगेगी, गोल 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 सील लगेगी, ठीक है। बाकी यदि अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड आपकी कोई अदर क्यूरीज होंगी तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट्स करके बता देना। तो एट लास्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सपोज करिए कि किसी ने स्टैम्प लगाना भूल गया, या फिर कोई नाम की मिस्टेक होगी, एफिडेविट बनवाना भूल गया, कुछ एक छोटी मोटी मिस्टेक जो कि गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना भूल गया, भूलना नहीं है वैसे के लिए, मैंने सब कुछ कवर किया, करके लेके जाइए, लेकिन हो सकता है कुछ मिस्टेक रह जाए, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन मत लेना। जैसे ही DV करवाओगे आप, तो उस टाइम पे आपको एक कहा जाएगा कि हाँ इसमें आपकी कमी है, तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, वहीं पे नियर बाई एक विश्रांत वाड़ी जगह है लगभग 1 या 2 किलोमीटर पे, तो वहाँ पे वकील वगैरह आदि बैठते हैं, तो वहाँ से कोई एफिडेविट बनाना है तो वो बनवा सकते हैं, और कुछ एक मिस्टेक है उनको जो रेक्टिफाई करने की है वहाँ से आप करवा सकते हैं, मोड़ लगवाना, गेजिटेड से सिग्नेचर, स्टैम्प आदि सारी प्रॉब्लम का वहाँ पे सॉल्यूशन हो जाता है। यदि कोई कैंडिडेट मार्कशीट जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या ID ये ले जाना ही भूल गया आपने साथ में, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होता, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल आगे की प्रोसेस नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो होपफुली आप सबको इससे मदद मिले। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।